अस्सलामुअलैकुम, गोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ सहरेश जुहेब और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों में शामिल करेंगे। बिजली का झटका, बॉम्ब गिराने की तैयारी, तहाइफ का हिसाब दो और कप्तान मुतहर्रिक। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, रिलीफ की आस लगाए आवाम को एक और तकलीफ का सामना। नेप्रा ने बिजली की कीमत बढ़ा दी, 4 रुपए 85 पैसे यूनिट का इतलाक अप्रैल के बिल पर होगा। महंगाई की दुहाई देते आवाम को बिजली का झटका दे दिया गया। कीमत 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी, नेप्रा ने मंजूरी दे दी। इजाफा फरवरी के महाना फ्यूल चार्जेस की मद में किया गया। CPPA ने 4 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी थी। नेप्रा के मुताबिक 31 मार्च को FCA पर अवामी समाध की। इससे कबल जनवरी में FCA ने सारिफिन पर 5 रुपए 94 पैसे चार्ज किया। मुताबिक फरवरी का FCA जनवरी की नस्बत 1 रुपए कम चार्ज किया गया, जिसका इतलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। नेप्रा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से के इलेक्ट्रिक सारिफीन मुतासिर नहीं होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशुबा इजाफे की तजवीज, पेट्रोल 21 से 83 रुपए, डीजल 51 से 119 और मट्टी का तेल 36 से 77 रुपए फी लीटर तक महंगा किया जाएगा। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिविजन को भिजवा दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। आम के लिए हो शुरबा इम्तिहान, पेट्रोल तारीखी महंगा होने का इम्कान। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 21 रुपए से 119 रुपए लीटर तक इजाफे की तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीज़न को भेज दी है। पेट्रोल कम से कम 21 रुपए 30 पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा 83 रुपए 50 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत 36 रुपए 5 पैसे फी लीटर से 77 रुपए 56 पैसे तक इजाफे की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल कम से कम 51 रुपए 3 पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा 119 रुपए फी लीटर महंगा किया जाएगा। लाइट डीजल ऑयल 38 रुपए 89 पैसे से 77 रुपए 31 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। ओगरा ने पेट्रोलियम लीवी और GST की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा शरह की बुनियाद पर समरी तैयार की है। वफाकी काबीना की तश्कील, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PDM जमातों के सरबराहों को अफ्तार पर बुला लिया। वज़रा के नामों का ऐलान आज रात तक मुतवक्के। राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान, राना सनाउल्ला को दाखिला, मिफ्ता इस्माइल को खजाना और शाहिद खाकान को तवानाई की वजारत देने की तजवीज़ है। बनेगा वजीर, कौन रहेगा नाकाम, मुशावरत मुकम्मल, काबीना का होगा आज ऐलान। शहबाज शरीफ ने काबीना के ऐलान से पहले आज अफ्तार पर PDM जमातों के सरबराहों को बुला लिया। मुलाकात में वज़रा के नाम फाइनल किए जाएंगे। नून लीग को 13, पीपल्स पार्टी को 10 और JUI को 3 वसारतें मिलेंगी। MKM और BAP को 2-2 जबकि ANP को 1 वसारत मिलेगी। राना सनाउल्लाह को दाखला, मुफ्ती इस्माइल को खजाना और शाहिद खाकान अब्बासी को तवानाई की वसारत देने की तजवीज़ है। राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। स्पीकर के चुनाव के लिए इजलास कल होने की तवक्को है। PP रहनुमा के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब होने का इम्कान है। हुकूमत और इत्तेहादियों ने अपने मेंबरान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ 14 करोड़ में फरोख्त किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा, कहा डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ, तलाई सेट और दूसरे कीमती तहाइफ दुबई में बेचे गए। हमजा को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला पार्टी और अपोजिशन इत्तेहाद का था। आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा दावा, इमरान खान पर तोशाखाना के तहाइफ बेचने का इल्ज़ाम धर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ 14 करोड़ रुपए में फरोख्त किए। मैं तस्दीक कर सकता हूँ, डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ, तलाई सेट और दूसरी कीमती तहाइफ दुबई में बेचे गए। साफियों से गैर रस्मी बातचीत में शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें भी एक बार घड़ी तोहफे में मिली थी, जिसे तोशाखाना में जमा करा दिया था। मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म ने हमजा को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला पार्टी और इत्तेहादियों पर छोड़ा और कहा कि परवेज़ इलाही को पेशकश की थी लेकिन वो भाग गए, जिसकी वजह से दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। सबका मौक़िफ़ था कि पंजाब में कोई ऐसा शख्स वज़ीर आला बने जो डिलीवर कर सके।
इमरान खान ने घड़ी और हार पहले खरीदे फिर बेच दिए। असल कहानी यह है कि इमरान खान ने वो घड़ी और हार कितने में हुकूमत से खरीदे और कितने में बाजार में बेचे। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा वो तहाइफ खरीदने के लिए इसके पास पैसे कहां से आए, क्योंकि वजीर आजम की तनख्वाह के अलावा और इसका कोई जरिए आमदन नहीं है। फवाद चौधरी ने इमरान खान की जानिब से घड़ी फरोख्त किए जाने का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान पर इल्ज़ामात का रद्द अमल में कहा कि इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि इमरान खान पर कैसे इल्ज़ामात लगाए जाएं। किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने हुकूमत से ख़रीद ली। इमरान खान ने हुकूमत से ख़रीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें क्या जुर्म है। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि शहबाज शरीफ इमरान खान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सतही गुफ्तगू से परहेज़ करें और मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें। नहीं है कि वो रेफर क्या कर रहे हैं, मतलब वो रेफर कर रहे हैं कि घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी, तो मतलब अब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है या वो मतलब अभी मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या, मतलब किस बात के ऊपर जो है उनको एतराज क्या है। 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनकी नौयत जब कहना क्या चाहते हैं, उन्हें किसी ने इमरान खान ने किसी को इमरान खान को किसने घड़ी दी या क्या हुआ। शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में बहुत कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इमरान खान के ऊपर को इल्जाम लगाना है। कभी वो कहीं से कोई और करेक्टर ढूंढ के ले आते हैं, कभी घड़ी ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, और जितना आप इमरान खान पे ये कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही खुद गंदे हो रहे हैं। क्योंकि मसला ये है कि इमरान खान तक तो इनका कीचड़ पहुंच नहीं रहा, वो इनके अपने ही चेहरे के और काला करता जा रहा है। हार और घड़ी पर फवाद चौधरी ने जवाब दे दिया है। फयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि जो पूरा पाकिस्तान लूट कर खा गए सबको मालूम है कि किस तरह अराकीन असेंबली को लाया और ले जाया जा रहा था। एक हार के ऊपर जाना करने वाली जिसने पूरा पाकिस्तान लूट कर खा गए, डकार भी नहीं मारा, और चलो डकार मार लो, बीच में पानी पी लो, बीच में सा ले लो, इन्होंने छिको छिक 35 साल अन्नेवा इस मुल्क को लूटा। अब वो जनाब हाजन और नमाजन बन के जनाब सवाल पूछती फिर रही है, तो उनको सवाल करने से पहले अपना आप देखना चाहिए। अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, गरीब ग्रुप, अमीर ग्रुप, सारे ग्रुप जितने हैं, ये भाईजान आप लोग कभी भी इस मुतवक्को जो आप अपनी तरफ से आपने स्पोर्ट की हुई है कि नई हुकूमत बनेगी, आप उसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर, मशीर और पार्लियामानी सेक्रेटरी नहीं बन सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।